3 नवंबर 2003, जगह चीन का हेबाई प्रांत। यहाँ के एक छोटे से शहर कंगोस में एक मनोरंजन स्थल में रोज की तरह लोग मजे कर रहे थे कि तभी एक लड़की के शोर मचाने की आवाज़ आती है। वो एक 34 साल के शख्स से बहस कर रही थी। इस मामले को जानने के लिए पुलिस दोनों के पास पहुँचती है और पूछताछ करती है। लड़की बताती है कि यह आदमी उसका काफ़ी देर से पीछा कर रहा है। जब उसने ऐसा करने से मना किया तो वो बहस कर रहा है। पुलिस ने फौरन उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन ले गई। दुबला पतला सा दिखने वाला यह शख्स खामोश था। जब पुलिस ने अपराधी के डेटाबेस में इस शख्स के बारे में जानकारी खंगाली तो उनके होश उड़ गए। ये वो सीरियल किलर था जिसे कई हत्याओं के लिए 4 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी एक कुख्यात सीरियल किलर यांग सिन्हाई की, जिसे चीन का सबसे दुर्दांत हत्यारा माना जाता है। इसे 1999 से 2003 के बीच 67 हत्याएं और 23 बलात्कार करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। मीडिया ने उसे मॉन्स्टर किलर करार दिया था। यांग का जन्म 29 जुलाई 1967 को जुमारियन हिना में एक गरीब परिवार में हुआ था। वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। अपने बचपन में वो बहुत इंटेलिजेंट था मगर इंट्रोवर्ट था। वो बाकी लोगों से मिलने में सहज नहीं रहता था, इसलिए वो बहुत कम लोगों से मिलता और बात करता। वो अपनी इंटेलिजेंस पढ़ाई में भी नहीं लगा पा रहा था, जिस कारण 1985 में उसने 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद उसने बहुत से जगहों पर लेबर के तौर पर काम किया। हालांकि वह एक साधारण और सीधे जीवन के लिए तैयार नहीं था और 1988 में मुसीबत में पड़ गया जब उसे चोरी करने के लिए एक लेबर कैंप की सज़ा सुनाई गई। लेकिन इससे उसमें ज़रा भी बदलाव नहीं आया और उसे 1991 में एक बार फिर से चोरी करने की सज़ा मिली। इन सब सज़ाओं से उसमें कोई सुधार नहीं था, बल्कि वो और क्राइम के लिए प्रेरित होने लगा। 1996 में उसे एक रेप के चार्ज में 5 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। किसी तरह वह 2000 में जेल से रिहा कर दिया गया। जेल के अधिकारियों ने ऐसा क्यों किया इस पर कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। जिसके बाद शुरू हुआ यांग के बेरहमी का सिलसिला, जिसमें उसने कई लोगों की निर्मम हत्या बिना किसी कारण की थी। हालांकि एक लोकल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार वो ये सब शायद इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके जेल भेज दिए जाने के कारण उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। अखबार के मुताबिक वो इसका बदला ले रहा था। हालांकि यांग ने ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं की थी। जब जेल में उसके साथी क्रिमिनल्स उससे पूछते थे कि उसने इतनी हत्याएं क्यों की, तो वो बोलता, लोगों को मारना बहुत सामान्य है, कुछ खास नहीं। वो ये सब यूं ही कर रहा था बिना किसी कारण। उसने बस इतना ही कबूला कि उसे बस लोगों को मारने की इच्छा होती है और वो मार देता है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिसे मार रहा है वो जीना या मरना डिजर्व भी करता है या नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो अनकॉन्शियसली ये करता होगा, उसका पागल दिमाग उसे ये सब करवा रहा होगा, लेकिन ये सब साइकोलॉजिकल अनुमान है, इसका कोई भी आधार नहीं था। वो भले ही कहता रहा कि उसे बस इच्छा होती और वो लोगों को मार देता है, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वह कोई प्लानिंग नहीं करता था। वो क्राइम से 2-3 घंटे पहले इसकी प्लानिंग करता था कि किसको मारना है, कैसे मारना है और मार के पुलिस से कैसे बचना है। जिन सब बातों से ये तो साफ था कि वो सब कुछ समझते हुए ही करता था। बहुत समय तक पुलिस को तो आइडिया ही नहीं था कि वो ढूंढ किसको रहे। इसका कारण भी था, वो अलग अलग साइज के जूते पहनता, हर क्राइम के बाद अपने पहने हुए कपड़े और बाकी सबूतों को जला दिया करता था, कभी भी एक तरह का हथियार इस्तेमाल नहीं करता था। उसने अपने पूरे क्राइम हिस्ट्री में अनेक हथियार इस्तेमाल किए, जैसे कि कुल्हारी, चाकू, हथौड़े, लोहे का सरिया और ना जाने क्या क्या। ये सब हथियार आम जगह पे आराम से उपलब्ध हो जाते थे और इसमें कोई पैटर्न भी नहीं था। ये सब बातें मिलकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मुश्किल में डाल रही थी। यांग ने अपने ज़्यादातर क्राइम में पूरी फैमिली को ही मारा था, जिससे कोई चश्मदीद भी नहीं था जो उसे पहचान सके या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सके। उसके क्राइम्स में से एक घटना बहुत दिन तक चर्चे में थी। चाइना के ल्युहांग गांव में एक किसान परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया लियो अपनी माँ बाप, बीवी और बच्चों के साथ रहते थे। लियो की उम्र लगभग 35 से 40 की होगी। वो अपना नया घर बना रहे थे। उनका प्लान था कि 9 दिसंबर 2002 को वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट कर जाएं। इस बीच लियो के पिता, जिनकी उम्र 67 साल होगी, वो अपने नए घर में निगरानी के विचार से रात में जाके सोने लगे थे। किसी के लिए भी अपना घर बनना एक बहुत खुशी का पल होता है। ऐसा ही इस परिवार के साथ भी था। सब नए घर में जाने की बात से खुश थे, सब ठीक ही चल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जो इनमें से किसी ने सोचा नहीं होगा। 6 दिसंबर 2002 की रात करीब 12 बजे जब सब सो रहे थे, तो वो उनके घर में घुस गया और सोते हुए परिवार पर हमला कर दिया। उसने हथौड़ों से सबके सिर पे कई वार किए।
जिससे लियो, उसकी बीवी और बच्चों की तुरंत ही मौत हो गई। सिर्फ उसकी माँ उस रात बच पाई थी, लेकिन उन्हें भी गंभीर चोटें आई थी। 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्होंने भी घुटने टेक दिए। इस परिवार में सिर्फ लियो के पिता बच गए थे, जो नए घर पे जाके सोया करते थे। लियो के पिता ने बाद में घटना को याद करते हुए बताया कि जब वह सुबह पुराने घर गए तो उन्होंने अपनी पोती को सबसे पहले देखा। वो अपने ही खून में डूबी पड़ी हुई थी, उसके सिर पे मोटा छेद हो रखा था। वो जब और अंदर गए तो उन्हें एक एक करके सभी की लाशें दिखी, जिन सबका हाल करीब करीब ऐसा ही था। किसी के लिए ये बताना भी मुश्किल हो रहा था कि कौन से हथियार से ये कत्ल किए गए थे। ये तो बाद में जब यांग गिरफ्तार हुआ तो उसने बताया कि उसने हथौड़े से पूरे परिवार को मारा था। उसने बताया कि परिवार की हत्या के बाद उसने हथौड़े को एक मकबरे के पास गाड़ दिया था और कपड़ों को नदी में फेंक दिया था। यांग के क्राइम के बारे में आज ज़्यादा कुछ पब्लिक में नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि वहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसा नहीं चाहती। इस बात का अनुमान इससे लगता है कि चाइना जैसे बड़े कंट्री में क्राइम रेट्स बहुत कम हैं। ये तो तभी हो सकता है जब क्राइम सही में कम हो या क्राइम की रिपोर्ट्स को छुपाया जा रहा हो। जहाँ तक यांग की बात है, उसे नवंबर 3, 2003 को, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था, एक एंटरटेनमेंट पार्क में एक लड़की से झगड़े के दौरान गिरफ्तार किया गया था। 1 फरवरी 2004 को उसकी सज़ा के समय आधिकारिक चीनी मीडिया का मानना था उसने चीन की सबसे लंबी और भयानक हत्या की होड़ को अंजाम दिया था। यांग को 14 फरवरी 2004 को फायरिंग दस्ते द्वारा गोलियों से मार डाला गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।